मैग्नाइट आप जानते हैं एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। भारत में इसकी डिमांड बेहद ज़्यादा है। 2 दिसंबर 2020 को लॉन्चिंग के बाद से प्रतिदिन लगभग 1000 इसकी बुकिंग हो रही है और इसके बावजूद इसकी डिलीवरी बेहद कम है, प्रोडक्शन क्षमता बेहद कम है। इसके बावजूद निशान का ऐसा लग रहा है कि सर चकरा गया है, या ये कहें कि निशान का माथा सूझ गया है। अब वो अपनी मैग्नाइट को एक्सपोर्ट कर रही है, यानी कि दूसरे देशों में भेज रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लोग जो मैग्नाइट का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है कि अब उनमें से कुछ यूनिट जो यहाँ भारत में बन रही है वो प्रति महीने बाहर चली जाएगी दूसरे देशों में। आपको बता दें कि दिसंबर में ही निशान ने मैग्नाइट की 5 यूनिट को एक्सपोर्ट किया था, बाहर भेज दिया था। इन 5 यूनिट में एक यूनिट वह भी शामिल थी जो आसियान एनकैप क्रैश टेस्ट के लिए अवेलेबल कराई गई थी, यानी कि उसमें जो 4 स्टार की रेटिंग मिली उसके बावजूद बाद निशान में लोगों को और विश्वास पैदा हुआ और वो मैग्नाइट खरीदने पर टूट पड़े थे। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि निशान जब अब भारत में बनी हुई मैग्नाइट को दूसरे देशों में भेजेगी तो कहीं ना कहीं भारत के लोग जो इसका इंतजार कर रहे हैं उन्हें उनका इंतजार थोड़ा बहुत लंबा खींच सकता है। हालांकि कंपनी के लिए बेहद शानदार अवसर है कि वो अन्य देशों में अपने कारोबार को या अपनी कारों को और ज़्यादा पेश करें। हालांकि इससे पहले भी निशान की जो कारें हैं भारत में बनती है, डटसन गो प्लस गो, ये सब चीज़ें कारें यहाँ से वो बाहर भेजती है, लेकिन निशान मैग्नाइट के लिए स्पेशली इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका को चिन्हित किया है निशान ने, ताकि वो वहाँ पर मैग्नाइट की आपूर्ति कर सके। इसके अलावा जो पड़ोसी देश है नेपाल वगैरह में भी निशान की मैग्नाइट का इंतजार लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग जो मैग्नाइट को खरीदने का विचार कर रहे हैं या जिन्होंने बुकिंग करवा ली है उनके लिए ये एक छोटी सी लेकिन बुरी खबर हो सकती है कि कुछ चीज़ें मैग्नाइट भारत में बनी हुई मैग्नाइट दूसरे देशों में जा सकती है। आपको बता दें कि ये जो एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं, जो 4-5 यूनिट भारत निशान ने भारत से बाहर भेजी है, वो दिसंबर 2020 के आंकड़े हैं, यानी जनवरी में ये आंकड़े इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। हालांकि अब जनवरी में यदि यहां भारत में डिलीवरी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी हो रही है। एक अपुष्ट खबरों के अनुसार 2000 से ज़्यादा यूनिट जनवरी 2020 में डिलीवर कर चुकी है। हालांकि पूरी जनवरी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आंकड़ा ये 3000 को पार कर सकता है। खैर ये तो 1-2 दिन बाद ही हमें पता चलेगा जब कंपनी ऑफिशियली जनवरी के आंकड़े जारी करेगी कि उसने कितनी गाड़ियां जनवरी में डिलीवर की है। तो आशा करेंगे निशान आने वाले समय में भारत के लोग जो मैग्नाइट का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ न्याय करेगी और सबसे पहले आपूर्ति भारत के लोगों को ही करेगी। आप यहाँ तक आए, वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।